ओम शांति। आज की तारीख है 29 जनवरी 2022। बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। प्रश्न है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं? उत्तर, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में हैं, परंतु सर्विस जरूर करनी है। गीत, धीरज थरमनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही दुखी होती है तब बाप को बुलाती है। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। पतित पावन तो एक ही है, विष्णु का चित्र तो है ही पावन। वह है विष्णुपुरी के मालिक, विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं, वहाँ देवी देवता ही रहते हैं। विष्णु डायनेस्टी कहें अथवा लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी कहें, बात एक ही है। यह सब पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाप है रूहानी और यह रूहानी स्टडी है, रूहानी सर्जरी है। इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर ज़रूर डालना है, रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वे धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ, मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं, यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। वहाँ है पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला है परमात्मा, उनको ही याद करते हैं। सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा, मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। पैसा मिल गया तो कहेंगे, ईश्वर ने दिया, वह दिलवाया। कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा। बच्चों को बाप से मिलता है, परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं हैं, इसलिए यह सब युक्तियाँ रची जाती हैं। पूछा जाता है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग के मालिक हैं। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। यह तो विष्णुपुरी के मालिक है ना? मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं।
शंकर का पाठ अलग है, नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। राम, सीता, लक्ष्मी, नारायण यही मुख्य चित्र हैं। उसके बाद फिर चित्र है रावण का, वह भी बड़ा 4x6 फुट का बनाना चाहिए। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? इनको जलाते हैं तो ज़रूर बड़ा दुश्मन ठहरा। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए कि यह सब कलयुगी चित्र हैं। गणेश, हनुमान, कच्छ मच्छ आदि सबके चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ हैं तुम्हारे चित्र। इन पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं। बड़ी संभाल करनी चाहिए, इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपिनियन कराते हैं, वह भी नामी ग्रामी नंबर वन है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल हैं, एक दो को कसम उठवाते हैं। ज़रूर कुछ समझते हैं, तब तो उद्घाटन करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे। अब बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम ज़रूर लिखना चाहिए, और किसने स्थापना की, अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होती नहीं। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं, तो सर्विस के लिए विचार चलाना चाहिए। क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए? अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा बतला सकते हैं फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है। सब एक जैसे होशियार भी नहीं हैं, बहुत ते अभिमानी भी हैं। अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबर वार मर्तबे हैं, नर्क में भी नंबर वार दर्जे हैं। विजय माला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं। हम पूछते भी हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनती है। जगत अम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा ये कौन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, सेंसिबल जो होंगे वे झट पूछेंगे, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है।
जो इतने बच्चे मुख से हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाप सब राज समझाते हैं, त्रिमूर्ति, छाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें एम ऑब्जेक्ट भी है, वर्षा देने वाला भी ऊपर में खड़ा है। तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है, रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान, पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं हैं कि यह दुश्मन कैसे है। हम भी आगे समझते नहीं थे। बाबा कहते हैं, यह जो ब्रह्मा है, जिसको मैंने एडॉप्ट किया है, वह भी नहीं जानते थे। अब जानते हैं तो औरों को भी समझाने का बड़ा शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी बिल्कुल नई है, भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा न सके। यह वंडर है, बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्च करने के लिए ही हैं। खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे, धन दिए धन ना खूटे, बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं, उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती हैं। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। आधा समय रावण का राज्य, आधा समय राम का राज्य। इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं, और कोई छुड़ा न सके। इनके लिए तो सर्वशक्तिमान ही चाहिए, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में ये रावण दुश्मन होता ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा, फिर बांधेली माताएं, कन्याएं सब छूट जाएंगी, समझेंगे यह तो अच्छी बात है। कलंक लगने ही हैं, कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं ना, स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियां देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं, सर्प ने डसा, यह किया। कितनी फालतू बातें हैं, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो, वहाँ काल खाता नहीं। एक कहानी है, यमदूत लेने गया तो उनको कहा, तुम अंदर घुस नहीं सकते। यह बड़ी समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा हैं, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। यह ज्ञान बुद्धि में है, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। यह बातें सिमरण करनी पड़े। यह ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगानी है। यह तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं,
अपने साथ बातें करनी हैं, तब कोई को समझा सकेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना, वह जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। यह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं, भल अभी तो परिपूर्ण कोई नहीं है, खामियां तो सब में रहती हैं, परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है, शौक रखना है। मनुष्य की जीवन कैसे बनाएं, कांटों को फूल बनाना है। बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। ज्ञान और योग भी चाहिए, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ कोई डेटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता है, ऑल राउंड बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं वे नहीं करते हैं, कोई आराम पसंद तो नहीं है, सारा दिन यह चाहिए वह चाहिए तो नहीं है। इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज़ लेते नहीं, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है, फिर भी कुछ आश रहती है। पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो, वे आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए। अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, यह आश रखनी है। तो यह ज़रूर लिखना है कि यह रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझें कि यह हॉस्पिटल वे कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरा पॉइंट, सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निपन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। यह स्मृति सो समर्थी ही नंबर वन प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्लोगन, अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अच्छा, ओम शांति।